नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने बड़ी लीड से जीत की हासिल, निकाला विजय मार्च। बरनाला के गांव वजीतके का नौजवान लांस नायक जसवीर सिंह जम्मू में ड्यूटी के दौरान हुआ शहीद, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। जंडियाला गुरु की ज्योति सर कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति की बिजली की तारों की चपेट में आने से हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने इंसाफ की लगाई गुहार। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी को बड़ी लीड से हराकर ये जीत हासिल की है, जिस कारण पार्टी में खुशी की लहर है और कार्यकर्ताओं की ओर से भांगड़ा डालकर खुशी मनाई जा रही है। गौरतलब रहे कि 10 मई को जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, जिसका आज नतीजा आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू की ओर से 3,02,097 वोट हासिल कर जीत दर्ज की गई है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी 2,43,450 वोटें हासिल कर दूसरे स्थान पर रही। शिरोमणि अकाली दल और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुखी 1,58,354 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इंद्र इकबाल सिंह अटवाल 1,34,706 वोटें हासिल कर चौथे स्थान पर रहे हैं। वहीं जीत के बाद सुशील रिंकू और पार्टी समर्थकों की ओर से बड़ा रोड शो निकाला गया। इस दौरान सुशील रिंकू को उनके समर्थकों की ओर से फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। देखो, जिद्दां आपां हौली हौली मेहनत जदों शुरू कीती है, कंपेन नूं अगे वधाया, तां जिहड़े जलंधर दे जिहड़े लोक हन उहनां दे नाल होर प्यार जिहड़ा वधदा गया। और जदों मुख्यमंत्री साहब कैंपेन च उतरे, केजरीवाल साहब कैंपेन दे विच उतरे, तां होर ज़्यादा जिहड़े लोग आ जुड़ने शुरू होए। तो मैं समझदा कि हौली 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 जिहड़ा काफला कैंपेन दा अगे वधदा गया और अखीरले हफ्ते दे विच बहुत तेजी दे नाल जिहड़ी असीं कैंपेन कर पाए, जिहदे विच रोड शो सीगे जिहड़े भगवंत मान साहब दे, केजरीवाल साहब दे, उन्हां दे विच बड़ी वड्डी जिहड़ी कामयाबी मिली। हवा या तुहाडे विरोधी कहिंदे सीगे कि बड़ी सरकार की खिलाफत, बहुत सारे इशूज इदां दे रहे जो तुहाडे अगेंस्ट भी गए, पर एंड दे नतीजा और लीड ही नहीं, बहुत वड्डी लीड, 50,000 तों वध वोटां दे नाल तुसीं जित हासिल कीती है, किहड़ा फैक्टर कम आया तुहानूं लगदा सब तों वध? देखो, मैं समझदा कि सरकार ने जिहड़े पहले साल दे विच ही कम करने शुरू कर दित्ते सी ना, जिहदे विच बिजली दी सभ नालों वड्डी जिहड़ी लोकां नूं फैसिलिटी दित्ती है कि लोगों के बिल है जोड़े वो माफ़ हो के आ रहे, जीरो बिल आ रहे हैं। उस तो अलावा लोगों नौकरियां देनिया शुरू की, नौजवानों मुहल्लों के जोड़े आम आदमी पार्टी के क्लीनिक महला क्लीनिक खोले है, तो इन गल करके लोगों के कितना ना कितने सैटिस्फैक्शन सी कि सरकार ने पहले साल ही जोड़े काम करने शुरू किए हैं। क्योंकि थोड़ा कद बढ़ गया, तुम पहला कौंसलर तो शुरू हुए, MLA बने, फिर हूँ पूरा नैशनल तुम्हें देख रहा है, क्योंकि जिमनी चोन MP बनना और जिमनी चोन च MP बनना तो पूरा देश की नज़र थोड़े देने, प्रेशर महसूस हों या हूँ लगता कि यार हूँ मेरा कद वड्डा हो गया, मैनू एक प्रेशर जरा जहन च रहा? देखो, गल है कि तुसी किसी भी पोस्ट देते हो तो काम में लैके जोड़े है वो थोड़े नाल चैलेंजेस जोड़े है वो अलग अलग होंगे है। सो इन चैलेंजिंग दे नाल निपटना, ये तो जो मैं कौंसलर सी, जो मैं विधायक बनया, तो इन चैलेंज नाल जरूर निपटते रहे हैं। बड़े पुराने पुराने मसले सीगे मेरी वैस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जिहड़े असी मैं विधायक रहिंदे हल कराए, तो पार्टी का सहयोग नाल रहेगा, भगवंत मान साहब नाल खड़े रहनगे, केजरीवाल साहब नाल खड़े रहनगे, तो मैं समझदा कि कोई भी मुश्किल है जलंधर दी जिन्ने भी जिहड़े काम है लोगों के, वो काम है जिहड़े जरूर टाइम तो पहला सिरे चढ़ गल कर रहे हैं कि पार्लीमेंट के जाना है, उत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होणगे, वड्डे वड्डे लीडर होर भी होणगे, होर पार्टियां दे भी लीडर होणगे जिन्हां नूं अज तक तुसीं मिले या TV ते देखा होगा, उन्हां दे नाल हुण जाके बहस करनी है, तो वह तैयारी किवें दी है तुहाडी? देखो, ये तो तैयारी टाइम दे नाल हुंदी है, एकदम तो घरों कोई तैयार होकर नहीं जाता, जो जावे बैठा सामने तो सारी तैयारी भी हो जाएगी। पहले काम तुहाडे ज़हन च कि जलंधर उस ते मैं जाके पार्लीमेंट च उन्हां दी आवाज़ चुकनी है?
देखो जलंधर दे विच देखो साढ़े फ्लाईओवर सड़कों के मुद्दे आ साढ़े स्मार्ट सिटी के काम है जोड़े वो बंद पे है जलंधर का हवाई अड्डा जोड़ा वो बंद पे उन्होंने शुरू कराना बड़ा वाला चैलेंज है। सो ये काम जोड़े पहल के आधार पर जोड़े आखिरी सवाल है मैं देख रहा था तो परिवारक जो मैं गल करा छोटा बेटा आया लगता कि उस तो बाद एक सियासत लगातार वो एक लकी चैंप बन के लकी चैंप हो गया साबित होया। देखो तो बिल्कुल है कि वो आन करके जिते परिवार के खुशियां आई जिदा पूरे इलाके खुशियां। सो मैं समझदा कि कोई ना कोई जी जिद घर का मैंबर यहोजा किसी के होंगे पैर यहोजे होंगे जिदे करके जड़िया परमात्मा बहुत बख्शिशा बहुत बरकत बख्शदा। बहुत वधिया लग रहा है जिथे जलंधर के लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद उत्थे किते ना किते उपर वाले का भी आशीर्वाद रहा क्योंकि क्लास चेंज की सी किते डर सी पर जो कंपेन दौरान लोगों गए और लोगों ने विश्वास दिलाया कि आप रिंक सुशील रिंकू के नाल हाँ सुशील रिंकू प्यार करते हैं उन्होंने कारगुजारी तो पसंद आ। सो कितना कितने आ हौसला सानू मिलता रहा। परिवार तो दो महीने तक यहोजा प्रैशर रहा क्योंकि तुम आप जिक्र कर रहे हो आप भी देखते हैं महसूस करते हैं कि नवी पार्टी विच गए उस पार्टी के गल्लां भी होंदिया सीगियां विरोधता भी होगी पुरानी इन्ना पुरानी पार्टी छड़नी पर अज 50,000 तो वध लीड मिली है वह प्रैशर याद करो राज दा दिन याद करो। प्रैशर उदो सी बहुत सी मैं जिदा पहले भी कहा कि कितना कितने डाउट से कि लोग एक्सैप्ट नहीं करेंगे क्योंकि पार्टी चेंज की और नवी पार्टी सी। सो उदो प्रैशर से पर अज की जित देख के लोगों का प्यार देख के सब कुछ भुल गया। डिसीजन किदा सीगा कि मैं पार्टी चेंज करनी है जदों आपसी गलबात हुई क्योंकि तुसी भी पोलिटिकली एक्टिव हो रिंकू जी जो ऑफर हुई होगी तो चर्चा की तुम्हें कहता सीगा हरी झंडी देती सी मैं लगता तुम्हें हरी झंडी उदो दित्ती नहीं होनी। डिसीजन बड़ी मुश्किल होया क्योंकि एकदम चेंज करना बहुत औखा सी और पूरी फैमिली ने और असी बैठ के महीने दो महीने मतलब सलाह मतलब इदा ही सी कि नहीं सी करनी चेंज पर एकदम कुछ इदा हो सू डिसीजन। तुसी अपने पति दे सियासी डिसीजन ते फकर करते हो? हाँ जी हाँ जी बहुत क्यों क्योंकि सब तो वड्डी जिहड़ी पोस्ट है मैनूं लगदा MP दी हुंदी है। सो बहुत माण महसूस हो रहा और हमेशा जदों भी अपने लिए अपने परिवार लिए दुआ मंगी है कितना कितने यह भी दुआ मंगी है कि सुशील कुमार रिंकू इदा दी पोस्ट ते जावे कि लोग याद रखन और अज वो दिन आ गया। आखिरी सवाल है मैं रिंकू जी ने भी पूछा कि तुहाडे घर पुत दी दात हुई सी और उस तो बाद आप देख रहे हैं कि एकदम जिवें तुसीं कहा कि एड्डी वड्डी पोस्ट मिल गई सुशील कुमार रिंकू में पोलिटिकल कद भी वध गया वापसी की ये तुसीं महसूस करते कि नवा जी जदों पैर रखदा घर दे विच ते उहदे नाल बहुत सारी किस्मत तो अपनी भी लैके आंदा और उहदा ही फायदा कितना कितने मिलिया। बिल्कुल 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 मेरा मेरा बेटा प्रथमवीर सिंह साढ़े मैरिज तो 16 साल बाद होया और बहुत लक्की है साढ़े लिए पर जिते मैं गल करा 22 इलेक्शन होए लूज कर गए आप पर फिर मैं लगता कि लूज किते शायद ना किते होंगे ना हो। हाँ सो मेरा बेटा बहुत लक्की रहा और मैं इतने अभी तेजे चैनल राही गल अभी दसना चाहनी हाँ कि असी अजे पार्टी चेंज बारे सोच भी नहीं रहे तो मेरा बेटा पहले ही झाड़ू के नारे लगा। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू जीत हासिल करने के बाद जालंधर स्थित दैनिक सवेरा के मुख्य कार्यालय सवेरा भवन पहुंचे जहां उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और संयुक्त संपादक अभिषेक विज से मुलाकात की। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने सुशील कुमार रिंकू को उनकी जीत पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सुशील कुमार रिंकू ने उन्हें जिताने पर सभी कार्यकर्ताओं और जालंधर वासियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जगरूप सिंह सेखो मेजर सिंह राहुल बाजवा अश्विनी जंगराल पारुल अरोड़ा विजय राजेश अग्निहोत्री करणपाल श्रीकांत मनीष शर्मा शुभ भाट अमित बजाज भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। जालंधर लोकसभा की जिमनी चोन दे विच जालंधर के निवासियों ने जिन्हें विरोधी धिर के जिहड़े लीडर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे सी निखेधी कर रहे सी अज जालंधर के निवासियों ने 58,691 वोटों की रिकॉर्ड तोड़ जिहड़ी लीड है वो दे के उन्हां सारे विरोधियों की जबान के उत्ते ताले लगाए और श्री भगवंत मान साहब दे एक साल के किते हुए जिहड़े कारज है पंजाब के लोगों के प्रति चाहे वह हैल्थ सेवावां होन एजुकेशन सेवावां होन बिजली के प्रति सेवावां होन चाहे वह सैनिकों के परिवारों नूं सहायता देने की गल होवे चाहे एजुकेशन दे फील्ड की गल होवे इन्हां सारे कामां दे उत्ते अज जालंधर दे निवासियों ने ठप्पा लगाया
और भगवंत मान साहब और आम आदमी पार्टी के विश्वास जताया और अज के इस दिन के उत्ते मैं सारे वोटर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा और खास करके उन्हें अपने वलंटियर्स का और उन्हें लीडर साहबाना का जिन्होंने दिन रात एक करके इस कामयाबी दे विच अपना हिस्सा पाया उन्होंने बहुत बहुत बधाई। और मैं समझदा कि यह सीट जितने दे नाल अज आम आदमी पार्टी का जिहड़ा कद है वह पूरे देश दे विच उच्चा होया केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब का जिहड़ा नाम है पूरे देश दे विच उच्चा होया। सो सारे नूं अज दी इस जिहड़ी वड्डी लीड है वड्डी जित है उहदी लख लख वधाई। अज आम आदमी पार्टी की जलंधर जिमनी चोन के एक इतिहासिक जित हुई है और साढ़े जिहड़े कैंडीडेट सुशील कुमार रिंकू जी ने लगभग 60,000 वोट नाल जित प्राप्त की है। मैं जलंधर पार्लीमेंट के सारे वसनीकों का धन्यवाद करदा और सारे बधाई देना कि तुसीं एक बहुत अच्छी मैंडेट दे के आम आदमी पार्टी नूं जिताया वा और इस जित दे नाल साढ़े माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह जी का कद जिहड़ा वा वह होर भी वड्डा बनिया वा उन्हां दी लीडरशिप एस्टैबलिश हुई है क्योंकि उन्हां दी अगवाई दे विच असीं इह चोण लड़ी सी और इहदे नाल नाल जिहड़ा 2024 का जनरल इलैक्शन आ रहा वा इह लोकां ने मैंडेट दे के सिद्ध कर दिता कि आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार आ उह आम लोकां दे विच बहुत पक्की बहुत धन्यवाद। फौजी जसवीर सिंह 10 जेके राइफल में लांस नायक था। उसका पार्थिव शरीर उसके गांव वजीद के कला में पूरे सरकारी मान सम्मान के साथ पहुंचा। वहां पर सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करती फौज द्वारा राइफलों से सलामी उपरांत अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से महल कला विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी द्वारा शहीद को सलामी देते हुए आखिरी विदाईगी दी गई। आप विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी ने कहा कि सरकार द्वारा बनता शहीद का मान सम्मान उन्हें चल दिया जाएगा। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। लेसना जसवीर साहब की डेड बॉडी को लेके आया था और जसवीर सिंह बहुत ही अच्छा लड़का होनहार और बहुत ही फिजिकल फिटनेस लड़का था और जसवीर सिंह कुछ दिन पहले छुट्टी काट के गया था। किसी भी प्रकार की उनको कोई भी टेंशन नहीं थी और जसवीर ड्यूटी पे था। ड्यूटी के दौरान ही जसवीर के साथ ये हादसा हुआ है और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी चीज़ सामने आएगी उसके बारे में बताया जाएगा और जसवीर सिंह को पूरा पूरा उनका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ज़्यादातर बहुत सारी चौकियाँ हमारी यूनिट की LC के ऊपर पलटन होने के कारण बहुत दूर दूर तक पलटन फैली हुई है। छोटी छोटी टुकड़ियों के बीच में 15-15, 20-20, 10-10 जैसे ऐसे सिचुएशन के हिसाब से फौज अपनी डिप्लाई उड़ के चौकियों के ऊपर पोस्टों पर बैठी है। जसवीर सिंह अलग पोस्ट पर था, मैं अलग पोस्ट पर था और जिस टाइम जसवीर सिंह के साथ हादसा हुआ मैं कहीं और दूर कहीं पोस्ट पर था। जब मेरे को पता चला तो मेरे को उसे डीइंडक्ट किया गया। डी इंडक्ट करने के बाद जब इतना लंबा रास्ता होने के कहीं पैदल रास्ता कहीं कुछ भी करके मैं जब जसवीर सिंह के पास पहुंचा तो तब तक जसवीर सिंह की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखा गया था। MLA साहब ने दसा भी एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है जी जिन्हें पूरे इलाके के अपने छोक की लहर फैला रखी है। तो प्रशासन वालों सरकार वालों जो भी बनती सहायता इन्हों की निजमाधीन वो पहले आधार पर की जाएगी। होर भी जो कागजी कार्रवाई है पवित्र जीवन होंगे जिंदगी जो असली पल होंगे ने जवानी वाले पल होंगे सारे देश लिए वार दिंदा जो ओहोजी खबर मिलती है जो सारे इलाके की सारे पंजाब सोग की लहर दौड़ जाती है। ये बड़ी वड्डी घटना वापरी है, बड़ा दुख है जी। जो भी जी हैगी है पंजाब सरकार गाइडलाइन हैगी है जो भी ना फौज के बिल्कुल लिख के आऊगा अपने सरकार का पहले आधार से कर देंगे तो कोई है ही नहीं जी। मान साहब ध्यान से लिया जाएंगे जी। जंडियाला गुरु की ज्योतिसर कॉलोनी में रहने वाले एक 28 वर्षीय नौजवान की काम करते समय बिजली की नंगी तारों के साथ लगने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गुरजंट सिंह नामक ये लड़का जियो कंपनी के कनेक्शन जोड़ने का काम करता है। इस दौरान बाजार में एक दुकान पर वाईफाई का कनेक्शन जोड़ने के चलते गुरजंट सिंह बिजली की
तारों की चपेट में आ गया, जिस कारण अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। तो वहीं मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने बिजली विभाग से इंसाफ की गुहार लगाई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गुरजन सिंह की डेथ हुई है, जो बिजली की नगर अनगेली करके अपने शहर के काम कर दिया जियो फाइबर का, और बिजली की नगेली का नंगे जोड़ हर एक जगह हर एक महल तारा नीवियाँ बिजली महकमे की गलती का करके अज वो डेथ हो गई। तो बिजली महकमा जाग पाया वा, अज ही उसे जोड़ कवर करके गया, टेपिंग हो गई आ। इन्ने दिनों का उन्होंने चेता नहीं आया ही अपना। तो माता आनंद है डिस्क के मरीज आ, फादर उन्होंने शुगर के मरीज आ, परिवार आ बहुत गरीब परिवार आ, उन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ ही मिलना चाहिए उन्होंने। अज ही उन्होंने चेता आ गया, इन्ने चिर सुते ही हूँ उसे जोड़ तारा कवर कर गए, जोड़ उत्ते उच्चिया कर गए, तारा जोड़ कवर हो गए सारे। मेरा नाम गुरकृपाल सिंह, असी जंडियाला गुरु ज्योति सर कलोनी के रहने वाले हाँ। असी जियो कंपनी के काम कर रहे हैं जी। घटना इदा है, असी भी इतने मेन बाजार जो चौड़ा बाजार आ जो नलके वाली गली का बाजार बजता है, जे के सदर के सामने हैगी दुकान एक गारमेंट्स की, और अभी कनैक्शन ला रहे थे, ठीक है जी, वाईफाई का लाते पे सी। इदा मेन तारा उपरों जा रही थी, असी तारा टपाइया, ठीक है, बिजली महकमे की लापरवाही के नाल इन्ना का जोड़ उत्थे नंगा सी, ठीक है जी, पता नहीं लगा वो ब्रदर दे इत्थे लग गया मौके ते ही उन्होंने डेथ हो गई। गुरजंट सिंह ब्रदर का नाम है। अमृतसर में नगर निगम की तरफ से कुल 5 अवैध बिल्डिंगों को गिराया गया। इस संबंधी नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि एमसीए की तरफ से हर शुक्रवार को गैरकानूनी ढंग से बनाई गई इमारतों को ढाने की मुहिम शुरू की गई है। इससे पहले इन इमारतों के मालिकों को कई बार नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन लोग बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बना रहे हैं और कानून की उल्लंघना करते और कानून की पालना नहीं करते हैं। इसलिए नगर निगम कमिश्नर के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इमारतें बनाने और उनके नक्शे पास करवाने और सरकारी दस्तावेज बनवाने का काम पहले से ज्यादा आसान कर दिया है, लेकिन लोग अभी सरकारी दस्तावेज पूरे नहीं करते और मंजूरी नहीं लेते, जिसके चलते उनको मजबूरन उनकी इमारतें गिरानी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि वह लोगों से अपील करते हैं कि वह अपनी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा पास करवा कर ही बिल्डिंग बनवाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कार्रवाई असी अपना पिछले हफ्ते तो साड़ी कार्रवाई शुरू हुई है, नगर निगम अमृतसर के जड़े अंदर जड़ियाँ अनधिकारित बिल्डिंगा लोग बना रहे हैं उन्होंने असी हरेक शुक्रवार जी डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू की है। अज उस सिलसिले के अच्छी ईस्ट हल्के जी आलू मंडी एरिए जिन्हिया अनधिकारित जो बिल्डिंगा बन रही होटल वगैरह बन रहे हैं उन्होंने उपर जी अच्छ कार्रवाई की जा रही है। असी अज तकरीबन 5 स्पॉट्स से जाना है जी। असी यह साडा तीसरा स्पॉट हैगा, इस तो पहले असी एक सैलीब्रेशन मॉल के पिछे एक बिल्डिंग जा के आए हैं, एक असी मेन रोड गोल्डन एवेन्यू के बाहर बिल्डिंग कराई है, तो एक आलू मंडी के अंदर तीन चार बिल्डिंगा जिहड़ियां शुरू हुई सीगियां, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई सी अपनी होटल बनाने वास्ते, ये असी इन्हां नूं गिरा रहे हैं। कारण यही है कि लोगों को जबानी तौर पर नोटिस भी दिए गए, जबानी तौर पर काफ़ी बारी मना किया गया भी जड़िया बिना नक्शा पास कराए या बिना मंजूरी तो है वह कंस्ट्रक्शन ना कीतियां जान, पर लोग जड़े कानून की पालना नहीं करते, इस करके मजबूरन जड़ा सानू कमिश्नर साहब के हुक्म अनुसार अज डेमोलिशन की कार्रवाई अमल च लियानी पई है। नाभा में पहुंचे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि जो जालंधर के लोगों की ओर से आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई गई है, इसके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से लोगों को बढ़िया सुविधाएं दी गई हैं, उसी को देखते हुए लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर बड़ी जीत दिलाई है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। देखो हर एक बंदा जीत तो पहला क्लेम करता, असी भी की, उन्होंने भी की, जो बंदा अपना कहता हों कोशिश करता कि मैं ही जित रहा ताकि लोग वोटा पा, बट सानू एक साल मिलया सी, असी एक साल जिन्ना काम किया, ये श्री भगवंत मान जी के जोड़े काम के उत्ते लोगों ने मोर लाई है, अरविंद केजरीवाल की सोच पर मोर लाई है, और सब तो ज़्यादा जो जरूरी है साढ़े जोड़े वॉलंटियर्स है, साढ़े वॉलंटियर सब तो बेस्ट है जी, निष्काम भावना के नाल उन्होंने सारे आके उत्थे जो उन्होंने काम दिता गया, जिन्होंने जो काम दिता से उन्हें तनदेही निभाया, और बहुत वधिया तरीके वैल कोआर्डीनेटड जी सा पार्टी की लीडरशिप है संदीप पाठक जी, जो मतलब
उन्होंने सारा बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया, वॉलंटियर ने डिसिप्लिन रह के काम किया और जोड़ा एक साल का काम होया। मैं बहुत सारे पिंड गया उ मैं उन्होंने पूछता कि थोड़े जो किसी का बिल माफ होया, सारा पिंड हाथ खड़ा कर दिता से, कहें वोटा पावे जी थोड़ा अं तो मैं लग्या भी आप बहुत वीड्डी जित होएगी और हुई भी है। और लोगों दुनियादी सहूलत जी है उन्होंने उन्होंने स्कूल की हालत खराब है, उन्होंने मतलब जोड़ा डिस्पेंसरी है वो हालत खराब है, डंगर का हस्पताल नहीं है, सड़क टुटिया हुई हैं, बुनियादी सहूलत नहीं है, यह सारा कुछ उन्होंने देवे भी एक साल के। और मैं सारी लिस्ट बना के एक रजिस्टर बनाया वो मैं जाऊँगा उन्होंने धन्यवाद करूँगा, उन्होंने कैंडीडेट को हैंडओवर करूँगा और जो एक साल बाद कहूँगा फिर उन्होंने पूछूंगा भी आह लिस्ट दी दसो काम होया, वो कहेंगे जी साढ़े अद्धे तो बाद काम हो गए, मैं कहूँगा जी अद्धे तो बाद हो बाकी भी करा हूँ वोट पाओ, यह उन्होंने वादा करके। सो मैं अज मैं हूँ अपने वॉलंटियर्स के आ रहा जी, तो अगले हफ्ते मैं जो बंद ने वोटा पाई उन्होंने धन्यवाद करूँगा। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई बड़ी जीत को लेकर नाभा में विधायक गुरुदेव सिंह देवमान और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया गया। विधायक ढोल की थाप पर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार करते दिखे। वही वर्करों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर इस जीत की बधाई दी। इस दौरान विधायक देवमान ने कहा कि सच की जीत हुई है, उनकी सरकार ने पिछले 14 महीनों में जो कार्य किए हैं लोगों ने इसी के चलते आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दिया है और बड़ी जीत हासिल करवाई है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बहुत वड्डा दिन है जी, जलंधर की लोग सभा जी उपचुण हुई सी, आम आदमी पार्टी बड़े फर्क के नाल वो चोण जी है वो जित गई है, तो ऑल अनाउंस होना बाकी है, जित साड़ी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। और बहुत बहुत मुबारक अरविंद केजरीवाल साहब न, भगवंत मान साहब और पूरी कैबिनेट न, पूरे MLA साहबान सारे ने बहुत मेहनत की है, साड़ी ड्यूटी आदमपुर च लगी सी जी, पर परमात्मा ने कृपा की है, पहली बार दुआबे दे विच आम पार्टी का बूटा लग्या लोग सभा दे विच। सुशील कुमार रिंकू लोग सभा दे विच पहुँच चुके हैं ते उत्थे जाके जलंधर की गल करनगे, पंजाब की गल करनगे और एक साल की कार्यकारी ते मोहर लाई है जलंधर के लोगों ने कि आम आदमी पार्टी की साढ़े मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब उन्हां दी जिहड़ी है मेहनत और उन्हां दी दूर अंदेशी और लगातार पंजाब के हकों लई फैसले करना उहदे ते मोहर लाई है जलंधर के लोग सभा के 9 विधानसभा के वासियों ने। तो सब नूं बहुत बहुत मुबारक, भगवंत मान साहब नूं बहुत बहुत मुबारक, आम आदमी पार्टी नूं बहुत बहुत मुबारक, सुशील कुमार रिंकू जी नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान सरकार ने देर रात लगभग 198 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। देर रात वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर के माध्यम से वे भारत पहुंचे। ये लोग गलती से मछलियां पकड़ते हुए पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, जहां पर पाकिस्तान की पुलिस ने उन्हें पकड़कर अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 4 से 5 साल की सजा सुनाई गई, तो वहीं पाकिस्तान सरकार की ओर से इन्हें अब रिहा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि और भी कई भारतीय मछुआरे हैं जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं और वह अपनी रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। और हम पाकिस्तान से रिहा हुए हैं 198 बंदे और हमको बहुत खुशी हो रही है कि सब अपने वतन आए और सब अपने परिवार से मिलेंगे। अभी पाकिस्तान में हमको 5 साल लगे और समंदर के जरिए हम पकड़े गए थे मच्छी पकड़ने के चक्कर में। मिलने की तो बहुत खुशी है मगर अभी तक परिवार से मिले नहीं, मगर अपने वतन में तो आ गए, उसके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमको। मैं रहने वाला हम लोग सब माने कि ज़्यादातर लोग गुजरात के हैं और मैं पोरबंदर का रहने वाला हूँ। खाना पीना तो मिलता था सर, मगर क्या करें, जैसे हालात में हम खाते थे तो वहाँ का जो होता था वो खाना पड़ता था, सर चढ़ाना पड़ता था, ऐसे तो नहीं कि भूखे मर जाए। बाकी जेल तो क्या है, जेल है, सोने के भी बना दे तो जेल है। मेरा नाम अरुण माल है जी, मैं प्रोटोकॉल अटारी बॉर्डर तो पुछ रहा। पाकिस्तान वालों एक बहुत वधिया उपराला किया गया वा जिदे तहत 199 शरमैन जेडे कि गुजरात के कच्छ एरिए समुद्र मछियां फड़न लई 2018-19 समुद्र च गए, जिन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट ना होने करके वो अपनी जी हद क्रॉस करके आज उन्होंने रिलीज़ करने के ऑर्डर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अमृतसर जी वालों सरदार हरदेव सिंह जी डिप्टी फिशरमैन अपनी टीम समेत इतने पहुंचे हुए हैं, इन वास्ते 3 बसा प्रोवाइड की गई, पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया। अजे तक 09 से जो पहुंचे मे भी थोड़ा लेट आने की संभावना। मानसा रोड पर सरकारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके चलते सहारा जनसेवा की ओर से गाड़ी चालक को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये सरकारी गाड़ी सफाई करने के लिए पटियाला जा रही थी कि अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और दुकान में जा टकराई, जिस कारण
ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੈਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ 2-3 ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਨਸੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮਤੀਦਾਸ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਤੋੜ ਕੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੇਟ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਗਤ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ। पाकिस्तान के सिंध शहर से हिंदू यात्रियों का एक जत्था अटारी वाघा सीमा के माध्यम से भारत पहुंचा। 100 के करीब हिंदू यात्रियों का ये जत्था भारत घूमने के लिए आया है। ये जत्था 25 दिनों के वीजा पर भारत में दाखिल हुआ है। ये हिंदू यात्रियों का जत्था अटारी सीमा से हरिद्वार और जोधपुर के बाद जैसलमेर जाएगा। इस जत्थे में बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम अरुण मारा जी, मैं जी प्रोटोकॉल अटारी बॉर्डर से पोस्टेड हाँ। अब पाकिस्तान सरकार वालों एक दो जथे जिन्हों की फिगर 46 ते 44 टोटल 100 100 बंदे का जथा ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गोठखी तो आए हैं। ये सारे हिंदू कम्यूनिटी में बिलोंग करते हैं। इन्हों का 25 दिन का वीज़ा लगे तो सारे सारे हरिद्वार जा रहे हैं। इन्हों हरिद्वार तो एक स्पैशल बस जी रिसीव करने वास्ते इतने पहुँच गई है। एक जथे की क्लीयरेंस हो गई है, दूसरे की हो रही है। तो मे बी थोड़ी देर तक क्लीयरेंस होने तो बाद सारे रवाना किए जा रहे हैं जी। ये जत्था आया है, ये 101 का है जिसमें 46 तो आ गए, बाकी पीछे हैं। ये लेके हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से ये जोधपुर, जोधपुर से कुछ जोधपुर रहेंगे, कुछ जैसलमेर ही जाएंगे। कितने दिन का वीजा है इनका? 20-25 दिन का है जी। हाँ, बच्चे भी होते हैं? हाँ, ये छोटे बड़े टोटल है जी। हाँ, अमृतसर में वरिष्ठ वकील एचएस फुलका की तरफ से श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ पंजाब की बंजर जमीन को लेकर मीटिंग की गई, जो कि लगभग एक घंटा चली, जिसमें पंजाब की बंजर जमीन को लेकर गहरी चिंता प्रकट की गई। इसका प्रगटावा करते हुए एचएस फुलका ने कहा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए धार्मिक जत्थेबंदियों के सहयोग से सेमिनार करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये वातावरण का नहीं, पंजाब की सिख कौम के अस्तित्व का सवाल है। इस मुद्दे को राजनीतिक लीडरों पर ना छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जो सामाजिक और धार्मिक नेता है वह इस पर पहल करे। इस संबंधी पंजाब में सेमिनार करवाए जाएंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो डॉक्टर अवतार सिंह फगवाड़ा ते नाल डॉक्टर चमलाल वशिष्ठ नाल किसानों का वफद लेके ये जत्थे अकाल तख्त साहब के कोल आए सी, उन्हां नूं बेनती करन दे वास्ते कि पंजाब का जो संकट आ ते जो सिख कौम की होंद नूं खतरा ओ के पंजाब की जमीन बंजर होन जा रही आ। ये सारे माहरे कह रहे आ कि जिस तरीके नाल पानी दा नाल 20 साल बचे आ, 20 साल दे विच पंजाब दी जमीन बंजर हो जानी आ। ये सिर्फ वातावरण का नहीं बल्कि ये पंजाब दी होंद दा ते सिख कौम दी होंद दा सवाल आ। ते इस मुद्दे नूं ये सियासी लीडरां ते नहीं छड्या जावे, इस दे विच जो समाजिक लीडर ते जो धार्मिक लीडर आ उह इहदे च पहल करन, ते उह इहदे च पहल करके ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇ ਤਪਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾਲ ਜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਔਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਔਰ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ तप स्थान दरबार श्री बाबा हुंदाल जी के आशीर्वाद से बसा हुआ है। ये सड़क बाबा हुंदाल गुरुद्वारा साहिब को जाती है और जंडियाला गुरु विरासती शहर है और ठठियारा वाले बाजार को भी विरासती रूप दिया गया है। आने वाले समय में जंडियाला गुरु शहर की नुहार
बदल दी जाएगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि जालंधर लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ी लीड से जीत हासिल की है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट। दे नाम ते जिन्ना गुरुआ दे नाम ते जंडियाले दा नाम गुरु पिया है। ओ गुरु गुरुद्वारा बाबा हंदाल जी बड़ा पवित्र स्थान साढ़े जंडियाले शहर का आले दुआले के इलाके का उत्थे इस वेले अखंड बाबा परमानंद जी उत्थे अगवाई कर रहे ने, सेवा कर रहे ने। 1946 तो इत्थे लगातार अखंड पाठ साहब की लड़ी जिहड़ी आ चल रही आ 77 साल और 77 साल हो गए ने। सो सानू बड़ा अज माण महसूस हो रहा कि असी जंडियाले शहर के उस जड़ी रोड उधर गुरद्वारा साहब नूं जांदी है उत्थे असी गेट का निर्माण जिहड़ा आ उह करन जा रहे हैं। ये 24 फुट इहदी चौड़ाई है और 33 फुट हाइट तक ये गेट बनूगा। एक विरासती शहर आ। सो असी जंडियाले नूं एक विरासती लुक जिहड़ी आ उह देण दा पहिलां वादा कीता सीगा उहदे उन्हूं अगे तोरदे हां असी जंडियाला गुरु शहर दे विच ठठियारा बाजार भी जिहड़ा उन्हूं विरासती लुक दित्ती है। अज बहुत वड्डी खुशी दी गल आ कि जिन्हां दे नां ते गुरु का जंडियाला वज रहा तप स्थान श्री गुरु बाबा हंधाव जी के नाँ पर अज उन्हां दे नाँ ते नथुआ ने दरबार के नाँ पर अज गेट बना रहे हैं और जिसका उद्घाटन सरदार हरभजन सिंह जो PWD मंत्री और बिजली मंत्री के महकमे के मालक अज अपने पवित्र हत्थां दे नाल अज उद्घाटन कर रहे हैं। ये गेट एक बहुत सुंदर गेट बनेगा और मैनू बड़ी खुशी आ कि साडा अज वीर साडा बच्चा बहुत इस परम पदवी ते पहुंचे हुए आ। CBSE की 12वीं कक्षा के नतीजे आने के बाद अमृतसर के DAV पब्लिक स्कूल की छात्रा की ओर से 98.8% अंक हासिल करने पर स्कूल की प्रिंसिपल पल्लवी की ओर से अव्वल आने वाली छात्रा को लड्डू खिलाया गया और उसका मुंह मीठा करवाया गया और छात्रा के अभिभावकों को भी प्रिंसिपल ने बधाई दी। इस मौके पर प्रिंसिपल पल्लवी ने जहाँ बच्चों को बधाई दी वहीं बच्चों की तैयारी संबंधी स्कूल अध्यापकों का भी धन्यवाद किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हम बहुत खुश हैं एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट टू माय टीचर्स एंड टू द पेरेंट्स एंड अबव ऑफ कोर्स टू द स्टूडेंट्स जिनका ये पूरा हार्ड वर्क था। एंड हार्ड टॉपर दिस टाइम इज काशवी अग्रवाल विद 98.8। शी इज अ कॉमर्स टॉपर। एंड इन बच्चों के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि दिस वॉज द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम फॉर देम क्योंकि 10th में यू नो दे डिड नॉट अपीयर फॉर बोर्ड बिकॉज ऑफ कोविड। सो इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम बट नेवर द लेस द चिल्ड्रन हु वर्क हार्ड दे डू प्रूव देम सेल्फ एंड सो वॉज इट विद काशवी अग्रवाल विद सच हाई स्कोर्स यू नो शी हैज़ मेड अ मेरिट नॉट ओनली इन द स्कूल बट मेड हर पेरेंट्स प्राउड मेड अस वेरी प्राउड। और काशवी 10th में भी शी वॉज द टॉपर ऑफ आर स्कूल इन द 10th बोर्ड्स। मेरा नाम काशवी है एंड मैं DAV स्कूल में पढ़ती हूँ एंड मेरे 98.8% आए हैं कॉमर्स में एंड मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मेहनत लगी थी, पहली बार बोर्ड्स देने थे तो डर भी था लेकिन उस डर के बावजूद इतने नंबर आए तो मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम अपने अच्छे कॉलेज में भी हो जाए मेरा क्योंकि अब बोर्ड्स पे तो कुछ है नहीं है तो कॉलेज भी अच्छा मिल जाए और मैं उसमें भी हमेशा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती रहूँ। मैं बिजनेस में जाना चाहती हूँ BSc फाइनेंस या फिर BBA इकोनॉमिक्स। मेरी पीरी के मालिक साहिब श्री हरगोबिंद साहिब जी के गुरुता गद्दी दिवस के मौके पर जहां संगत श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची वहीं गुरु घर का दीदार करने के पश्चात संगत की ओर से सरबत के भले की अरदास की गई। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी की ओर से गुरु घर में आई हुई संगत को इस पावन दिवस की बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि गुरु घर में जलोअ साहिब भी सजाए जाएंगे और रात को दीप माला कर आतिशबाजी भी की जाएगी तो वहीं श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की ओर से भी सभी संगतों को श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के गुरुता गद्दी दिवस की बधाई दी गई और उन्होंने कहा कि हम सबको गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अनंत पया बिमाए सतगुरु में पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन मजिया बनाया राग रतन परवन सदा रहो बनाने अनाथ हो तू मन मेरे धूप सब सारना।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ ਡਾਲਤੇ ਹੈਂ जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने बड़ी लीड से जीत की हासिल निकाला विजय मार्च बरनाला के गांव वजीतके का नौजवान लांस नायक जसवीर सिंह जम्मू में ड्यूटी के दौरान हुआ शहीद राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार जंडियाला गुरु की ज्योतिसर कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति की बिजली की तारों की चपेट में आने से हुई मौत पारिवारिक सदस्यों ने इंसाफ की लगाई गुहार इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल